सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा ही होगा कि कल शाम को ही हम यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि आज मॉर्निंग में 6 से 9 बजे का हमारा सफारी का स्लॉट बुक है और 5:30 बजे हमको यहाँ पे रिपोर्ट करना था। तो हम यहाँ पे मॉर्निंग में अभी आ गए हैं, अभी 5:30 बजे है। और मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो प्रोसेस कैसे रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आने से पहले ही आपको एक ऑनलाइन परमिट लेना रहता है। वो परमिट लेने के लिए आपको ये वेबसाइट के ऊपर जाना है। आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट दिखाएगी, पर आपको वहाँ पे नहीं जाना है, आपको ये वेबसाइट के ऊपर ही जाना है और आपके डिटेल वहाँ पे सब फिल करके टोटल आपको 800 रुपीज वहाँ पे करना है। अगर आप 2 लोग हो, 4 लोग हो या 6 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 2 लोग हो तो भी 800 रुपीज पे करना है और 6 लोग हो तो भी आपको 800 रुपीज ही पे करना है। तो वो पे करने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी, वो आपके मोबाइल के अंदर आपको सेव कर लेना है। और यहाँ पे आने के बाद इस विंडो के ऊपर आप जब आपका मोबाइल दिखाओगे, वो पीडीएफ फाइल दिखाओगे, तो उनके पास ऑलरेडी एक प्रिंट आउट आपके लिए रेडी होती है। यहाँ पे आपको टोटल 2000 रुपीज जिप्सी का और 400 रुपीज गाइड का पे करना रहता है। और अगर आप मेरी तरह कैमरा भी कैरी कर रहे हो तो आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा पर कैमरा पे करना रहता है। तो वैसे अगर आप कैमरा लेके नहीं आओगे तो 3200 रुपीज का ये टोटल जिप्सी का कॉस्ट है। मैक्सिमम एक जिप्सी के अंदर 6 लोग अलाउ रहते हैं। जिप्सी आपके लिए ही अलॉट की जाएगी पूरे के पूरी, मतलब आप जितने लोगों के साथ जाओगे उसके हिसाब से ही आपको सफारी करने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे बैठ गए हमारी जिप्सी के अंदर और अब स्टार्ट होगी हमारी सफारी। अब आएगा असली मजा। तो अभी हमारा सफारी स्टार्ट हो रहा है। ये गाइड है और ये ड्राइवर है। अभी आप आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम पीयूष है, मैं आपके साथ अभी सफारी में गाइड हूँ। अभी यहाँ से हमारा सफारी स्टार्ट होगा, 6 बजे का हमारा जो टाइम है और 9 बजे तक हम बाहर निकलेंगे। अभी जो हमारा रूट है वो 7 नंबर का है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे वैसे जो एनिमल्स वगैरह की कोई गारंटी नहीं है, सफारी टोटल नेचुरल होता है यहाँ पे। ओके। और ये भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम नगेश है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सफारी। यहाँ से हमारा मेन ट्रैक स्टार्ट हो गया है। वैसे तो ये अभी पब्लिक वे है, आगे जाके दूसरा गेट आएगा, वहाँ से हम एंट्री लेंगे। ये जो पब्लिक वे है, ये 12 किलोमीटर का जो रास्ता है, ये 7 बजे सुबह स्टार्ट होता है और शाम को 7 बजे इसको बंद कर देते हैं। 12 किलोमीटर का रास्ता आपको 45 मिनट में कवर करके बाहर एग्जिट होना है। इसमें आप अपना कोई भी व्हीकल लेके ऐसे आ सकते हो। तो मतलब गवर्नमेंट का आपका जैसे हमने जिप्सी किया वैसा जरूरी नहीं है, हम हमारा व्हीकल लेके आ सकते हैं। रूट के ऊपर आप अपना व्हीकल लेके आ सकते हो, क्योंकि आने जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। आगे कई सारे ऐसे विलेज है, वहाँ पे जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता है। इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसमें आओगे और कोई एनिमल का चांस रहेगा, नहीं भी रहते और मिल भी जाता है, कई बार लाइन वगैरह भी दिख जाते है। ये उसके टाइम से हम निकलते है तभी। अभी अप्रैल का टाइम है, हम जब ये टूर प्लान कर रहे थे तब सोचते थे कि गर्मी ज़्यादा लगेगी, पर मॉर्निंग में छः बजे का हमने स्लॉट चॉइस किया। उसका फ़ायदा यह है कि अभी इतना मस्त ठंडा ठंडा पवन आ रहा है और एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ से हमारा जो मेन ट्रैक है वो स्टार्ट हो गया है, तो खास आप अपने वॉलेट मोबाइल का ख्याल रखना, आपका कीमती सामान कोई भी नीचे ना गिर जाए, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ही वापस हम यू टर्न लेके आएंगे तब आएगा। जो आगे का जो दूसरा रास्ता है वो सेम रास्ता कहीं नहीं आएगा। और यहाँ पे नीचे उतरना कहीं भी अलाउड नहीं है। और प्लास्टिक पॉलिथीन भी आपके पास ऐसी कोई चीज़ हो तो नीचे मत फेंकना, ठीक है? ये गिर जो है ना, वो इंडिया का 2nd लार्जेस्ट फॉरेस्ट है। 1st नंबर का जो फॉरेस्ट है वो जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में है, और गिर जो है वो 2nd नंबर पे है। गिर का जो पूरा एरिया है वो 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और उसके अंदर डिपार्टमेंट ने 258 किलोमीटर में पूरा टूरिज्म जोन बनाया है, और उसमें 1 से लेकर 13 तक अलग अलग रूट है। उनमें से अभी हमें 7 नंबर का रूट यहाँ पे घूमने के लिए मिला है। डिपार्टमेंट से जो हमें परमिशन यहाँ पे मिलता है वो ओनली फॉर फॉरेस्ट विजिट के लिए रहता है। यहाँ पे है ना सर, किसी भी एनिमल की गारंटी नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी मिलेंगे आपके लक के ऊपर डिपेंड रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल और लायन वगैरह आपको कहीं ना कहीं दिखे, क्योंकि अभी हम जो जा रहे हैं वो पूरा नेचुरल एक्टिविटी में। यहाँ पे सभी वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पे है ना कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। ये जो ड्राई पेड़ आपको दिख रहे हैं ज़्यादातर,
जैसे भी टीक वुड है, सागवन, 75% जो फॉरेस्ट है वो टीक का है यहाँ पे, और 25% जो फॉरेस्ट है वो आर्यवेदिक वनस्पति और दूसरे सारे पेड़ यहाँ पे है सर। टीक होने के कारण हमारे फॉरेस्ट की जो टाइप है ना वो ड्राई एंड डेसिडियस है। ये फॉरेस्ट पूरा 6 मंथ ग्रीन और 6 मंथ ड्राई रहता है, और यही फॉरेस्ट जो है वो लायन के लिए सूटेबल है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में देखोगे तो लायन की जो नेचुरल एक्टिविटी है वो दो जगह पे ही है, एक अफ्रीका में और गिर में। इसके अलावा आपको कहीं पे भी दूसरी जगह पे नेचुरल में लायन की एक्टिविटी नहीं मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड बोर, वाइल्ड पिग भी बोलते हैं इसे। हाँ हाँ। मेल लायन है, दो है। अभी हमारा लक कैसा है? स्टार्ट किया, 10 मिनट भी नहीं हुए और दो दो लायन हमको दिख गए। अभी ये जो मोमेंट हमने देखा लायन जैसे आगे जा रहे हैं, ये आप यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू 10 सफारी करोगे ना तो ऐसा साइटिंग यहाँ पे इतना इजीली नहीं होता है। यू आर सो वेरी लकी कि इतने नज़दीक से और दो मेल लायन आगे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा हमारे हिसाब से बहुत ही बढ़िया साइटिंग अभी हुआ है। नहीं, डर तो नहीं लगता है, पर वाइल्ड लाइफ का वैसे कोई भरोसा भी नहीं कर सकते। पर लायन जो है ना वो रॉयल एनिमल है, तो बिना रीजन वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करता है। तो हम उससे डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार ऐसा होता है कि हम जा रहे हैं वो रोड के सामने से आ रहे हैं तो हम हमारा गाड़ी थोड़ा साइड में लगा देंगे तो पास से भी वो क्रॉस करके निकल सकता है। कई बार रोड के ऊपर बैठ जाते हैं तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, वो यू टर्न लेके हमें दूसरे गेट से भी निकलना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे कब क्या एनिमल किसको मिलेगा वो किसी को भी पता नहीं है। यहाँ पे गिर में टोटल 39 फीसिस के मैमल है, 37 टाइप के रेप्टाइल्स है, 300 प्लस बर्ड की स्पीसीज है और 2000 प्लस इंसेक्ट यहाँ पे है। मैमल्स में गिर में लायन, लेपर्ड, नीलगाय, जेकोल, आइना, रेटल, पेंगोलियंस, पोक्यूपाइन, वाइल्ड बोर, ऐसे काफ़ी सारे एनिमल है, पर ज़्यादातर एनिमल नॉक्टर्नल है। शायद आगे लायन का साइटिंग हो हुआ है, देखते हैं। ये एशियाटिक मेल लायन, इसका जो एज है ये 7 से 8 ईयर तक का है। अभी
ये दोनों जो अभी दूसरा भी जो जा रहा है ये दोनों सगे भाई है, इसलिए ये दोनों साथ में चल रहे हैं। इसका जो लाइफ है यहाँ पे वो नेचुरल में 15 से 16 साल, और जो जू वगैरह में जो रहते हैं वो 20 ईयर तक जीते हैं। उसका रीज़न है कि जो जू में उसको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि उसको रेडीमेड मीट वगैरह दिया जाता है और इस हिसाब से वो अपना खाना वगैरह है वो इजी वहाँ पे उसको मिल रहा है। पर यहाँ पे जो है उसको ट्रगल ज़्यादा है, घूमना है, अपना एरिया वगैरह मार्क करना है। तो ये भी दोनों भाई जो है उसी चक्कर में है कि कहीं शिकार ढूंढ रहे हैं और अपना एरिया भी वो मार्क कर रहे हैं। अभी एक मेल जो रहता है उसका एरिया रहेगा 40 किलोमीटर का, एक अकेले 40 किलोमीटर के एरिया में एक मेल रहता है और दो मेल ऐसे सगे भाई है और वो जन्म से साथ में रहते हैं, तो वो 100 किलोमीटर तक का भी एरिया कवर कर सकते हैं। तो ऐसे जब ये निकलते हैं ये पूरी नाइट एक्टिव रहते हैं ऐसे, पर जब जाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रोड के ऊपर चलना पसंद करते हैं। और ऐसे दो मेल जो है वो जन्म से साथ में रहते हैं तो वो 100 किलोमीटर का एरिया भी कवर करते हैं, क्योंकि ये दोनों पावरफुल रहेंगे। तो ये मॉर्निंग लेट नाइट या सुबह में जब ये निकलते हैं तो रोड के साइड में से पेड़ आते हैं ना, अपने यूरिन से वो मार्क करते हैं। तो उसके एरिया में अगर कोई दूसरा मेल आया है तो उसको यूरिन की स्मेल से पता चलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी एक मेल लाइन का एरिया है। तो यूरिन की स्मेल से उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो मेल है वो कितना पावरफुल है। अगर ये दूसरे एरिया का जो मेल है वो उसके साथ फाइट करना चाहता है तो यूरिन की स्मेल लेके पता करेगा, उसके बाद वो उसको चैलेंज देता है रोर करके, एक दूसरे को वो चैलेंज करते हैं फाइट करने के लिए। और अगर वो अगर सिंह जाइए आगे देखो जा रहे हैं देखिए कितने गिनिए आप। Lion.
एटमॉस्फेयर है वो इतना लाजवाब है, और हमको एक के बाद एक के बाद एक ऐसे नहीं नहीं तो 7 से 8 लायन देखने को मिल गए, तो पूरा पैसा वसूल हो गया। अभी आगे और टाइम बाकी है, 2 घंटे जितना टाइम बाकी है, तो अभी आगे जितना भी आएगा वो सब कवर करेंगे। बट कहने का मतलब कि हमारा लक बहुत अच्छा रहा आज कि हमने सफारी स्टार्ट की और तुरंत हमको इतने सारे लायन देखने को मिल गए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप भी अगर आते हो यहाँ पे तो मॉर्निंग का 6 से 9 बजे का जो स्लॉट है उसमें ही अगर आप स्लॉट बुक कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इवनिंग का भी जो रहता है सेटिंग वो भी टाइम अच्छा ही है, और जो 9 बजे वाला टाइम है वो भी बेस्ट टाइम ही है। ऐसा नहीं है कि उसमें इतना ज़्यादा चांस नहीं रहता है, पर मॉर्निंग में क्या है कि लायन जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल है, तो अभी उसकी एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। थोड़ा धूप होने के बाद उसकी एक्टिविटी कम होती है, तो उसके बाद की जो सफारी में अगर देखने मिले तो वो सोए हुए या बैठे हुए देख सकते हैं। दोपहर के बाद की आप सफारी करोगे जो 4 बजे अभी हो रही है, उसमें आप आओगे तो जो लास्ट का जो टाइम है 5:30-6 बजे के बाद का जो टाइम है उसमें क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे ठंडा मौसम होगा तो वो कहीं ऐसे रोड के ऊपर भी निकल सकते हैं और पानी पीने के लिए बाहर आए, तो उस टाइम पे साइटिंग होता है। तो अभी जो सुबह में साइटिंग हुआ है उसी तरह का साइटिंग दोपहर के बाद भी हो सकता है। पर ये सफारी में क्या है कि कब कहाँ पे कौन सा एनिमल मिलेगा वो किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल नेचुरल वाइल्ड लाइफ है। तो आज जैसे हमें मिला है तो हम ऐसा कंफर्म नहीं बोल सकते कि कल भी आएंगे तो इस तरह का साइटिंग हो सकता है, बट हमारा कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लायन देखने को मिले और इसी तरह से मिले जैसे अभी हमने देखा है वो। तो कहने का मतलब ये है कि वो तो लक पे ऊपर डिपेंड है कि मॉर्निंग में देखने को मिले, दोपहर को मिले या शाम को मिले। सिर्फ फर्क इतना है कि मॉर्निंग में अगर आप देख पाओगे तो थोड़ा एक्टिविटी करेगा, मतलब चलता फिरता आपको आप देख पाओगे। दोपहर या शाम को थोड़ा एक्टिविटी कम मिलेगा, अगर आपका लक है तो आपको लायन देखने तो मिल ही सकता है। ऐसा नहीं है कि शाम को नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे हम, वो हमारे रूट में ही है, पर वो है आपके लिए सरप्राइज। हाँ। अभी हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। जो भी आपके व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं उसको भी हम बताएंगे कि गिर का सबसे बेस्ट प्लेस जो एक है वहाँ पे हम जा रहे हैं, और वो भी वो सबके लिए सरप्राइज है। अभी देखते हैं सरप्राइज में क्या देखने को मिलता है। ठीक है, ये है पीकॉक। ये है स्पॉटेड डियर। देखो, जो अभी हम आपको जो सरप्राइज देने वाले थे वो जगह आ गई है। तो ये देखिए, ये है हमारा गिर का सबसे बड़ा डैम। इसका नाम है कमलेश्वर, और ऐसे 4 डैम है, उससे उसमें सबसे बड़ा डैम ये है लेक। इसके अंदर 300+ मास क्रोकोडाइल है इस डैम के अंदर, और ये 42 फीट गहरा है,
पर ये 15 किलोमीटर तक के एरिया में पूरा अराउंड फैला हुआ है ये एरिया। देखिए क्रोकोडाइल है। अभी हम कितना एंजॉय कर रहे हैं वो हम वर्ड में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते। पूरा पैसा वसूल हो गया। देखो सामने जो है ना वो ट्राइबल विलेज है। ऐसे टोटल गिर में अभी 54 विलेज है। इन लोगों के पास डोमेस्टिक काउ बफेलो रहेंगी और वो लोग इसमें चरवाते हैं काउ बफेलो को, और उसका जो मिल्क रहेगा वो सेलिंग करके अपना गुजरान चलाते हैं। ये जो लोग हैं वो नवाब के टाइम से यहाँ पे रहते हैं। लायन वगैरह उसके कैटल का शिकार वगैरह करते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको 50% तक रिफंड भी देता है। यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो वो सामने वॉशरूम है, वहाँ पे आप वॉशरूम जा सकते हो। और यहाँ जिप्सी के जीप के नीचे भी आप उतर के फोटो वोटो खींचना हो तो आप फोटो खींच सकते हो। बाकी और कोई जगह पर आपको जीप से नीचे उतरना मना है। तो यहाँ पे वॉशरूम थोड़ा फ्रेश हो गए उसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ पे हम जो जीप के नीचे उतरे थे वहाँ पे हमने अच्छी खासी 10-15 मिनट स्पेंड किया और बहुत एंजॉय किया। मतलब नेचर यहाँ पे जो व्यू पॉइंट था बहुत एकदम अच्छा लग रहा था और फोटो खींचे वो सब हमने एंजॉय किया। अभी आगे जा रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे आए और हमको इतने सारे लायन देखने को मिले, बट कई बार कोई सेलिब्रिटी यहाँ पे आता है और उसको लायन देखने को मिलता भी नहीं है, पर क्या होता है वो इनसे सुनिए आप। यहाँ पे 2011 या 12 में जब बच्चन सब आए थे उस टाइम पे हम इस फील्ड में नहीं थे, पर तब लोग बोल रहे थे कि उसने सेकंड सफारी में उसको लायन मिला था। फर्स्ट सफारी जब वो गए थे तभी उसको नई साइटिंग हुआ था, पर सेकंड सफारी में उसको लायन दिखा था। तो जो हमारा सेलिब्रिटी है वो वैसे तो लायन ही है मेन हमारे लिए, पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटी यहाँ पर आते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि उसको भी ऐसे एक सफारी में नहीं मिलता है। 2-3 या 1-2 सफारी करते हैं तभी ऐसे साइटिंग लाइन का होता है, क्योंकि उसको पता है और हम लोगों को पता है कि वो अमिताभ बच्चन है या कोई भी ऐसे एक्टर्स हुए फील्ड एक्टर्स, पर लायन को नहीं पता है ना, क्योंकि वो अपने आप में एक राजा है, रॉयल एनिमल है। तो उसको देखने के लिए हमें यहाँ पे आना है और सब लोग आ रहे हैं, वो हमें देखने के लिए नहीं आ रहे यहाँ पे। हम लक्की थे कि हमको लायन तो देखने को मिला, पर हमारा लक वैसे उस तरह से भी अच्छा है कि हमको इतने अच्छे गाइड मिले। उन्होंने इतना अच्छा हमको सब एक्सप्लेन किया और उनका जो समझाने का सब चीज़ें एक्सप्लेन करने का जो तरीका है वो भी हमको बहुत अच्छा लगा। स्पॉटेड डियर का जो पॉपुलेशन है वो गिर में मोर देन 65,000 बाई रोड काउंटिंग है। और ये जो अभी है ना वो मेल है, जो हॉर्न्स वाला रहेगा सिंग वाला वो मेल है, बिना सिंग का जो मिलेगा वो सभी फीमेल होती है। और इसके जो सिंग है वो हर साल बारिश का जब सीजन स्टार्ट होता है तभी अपने नेचुरली सिंग जो है वो सब निकाल देते हैं, और बारिश का सीजन जैसे खत्म होगा और विंटर स्टार्ट होता है तब इसके हॉर्न जो है वो नहीं आते, और जब नहीं आते तो एकदम सॉफ्ट रहते हैं और उसके ऊपर एक वेलवेट का कवर रहता है। जैसे ही हॉर्न का ग्रोथ पूरा होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है और किसी पेड़ के ऊपर घिस के वो अपना वेलवेट का जो कवर है वो निकाल देते हैं, और उसका हॉर्न जैसे जितना जो झाड़ के ऊपर वो घिसते ना तो उतना शार्प हो जाएगा। और गिरे हुए जो हॉर्न है वो समर में जब उसको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है
उस टाइम पे वो अपने हॉर्न को चबाते हैं, तो उसमें से क्या है उसको कैल्शियम मिलता है। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तो ऐसा बोलूँगा कि यहाँ पे सिर्फ लायन देखने के हिसाब से आप मत आइए। लायन तो दिखेगा वो लग के ऊपर है, पर ओवरऑल जो यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब वो जो नेचर का व्यू सब है वो भी एकदम लाजवाब है। आपको वैसे भी अगर आप यहाँ पे सफारी करोगे तो आपको लायन दिखेगा नहीं दिखेगा, पर आपको मज़ा ज़रूर आएगा, तो आप यहाँ पर विजिट ज़रूर करिए। ये 16 जून से 15 अक्टूबर तक क्लोज रहता है पूरा 4 महीने, और ये 16 अक्टूबर को वापस ओपन होता है। उस टाइम पे टाइमिंग वगैरह भी हमारे चेंज हो जाते हैं। अभी जो हमें 6 बजे एंट्री मिल रहा है वो अक्टूबर में 6:30 बजे एंट्री मिलता है। हमको स्टार्टिंग में एक्टिविटी मतलब चलता फिरता लायन दिखा, अभी सोता हुआ दिखा, और वो सामने बैठा हुआ है। देखिए लंगूर, ब्लैक फेस लॉन्ग टेल लंगूर। आज का हमारा सफारी में ये 10वां 11वां सी है। नसीब हो तो ऐसा हो, एक सफारी के अंदर हमको ये 10वां 11वां लायन देखने को मिल रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि 4-5 बार सफारी करते हैं पर एक ही बार मिलता है या फिर देखने को मिलता ही नहीं है।
है, सफारी का हमारा एंड हो रहा है, 5-10 मिनट के अंदर हम एग्जिट कर जाएंगे, खेल खत्म, पैसा हजम। अभी हमारा सफारी यहाँ पे एंड होता है।